माननीय आरसीपी सर नीतीश कुमार के साथ बहुत दिन तक रहे हैं, और बहुत मैंने सम्पैथी और बहुत अपनापन, बहुत भाईचारा के साथ उनके साथ, बहुत विश्वास के साथ उनके साथ रहे हैं। और जब तक आरसीपी सर थे तब तक माननीय मुख्यमंत्री को, हमको जहां तक लगता है, मेरा अपना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री को एक हिम्मत, एक ताकत आरसीपी सर देते थे, क्योंकि आरसीपी सर के हटते ही और एनडीए सरकार से हटते ही माननीय मुख्यमंत्री क्यों इतना कमजोर हो गए। एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे और एक आंदोलनकारी नेता थे, बहुत कर्मठ नेता थे, बिहार के लिए बहुत उनका योगदान था। ऐसा क्या कमजोरी हो गया जो आरसीपी सर के हटते और इनके अगल बगल जितने भी माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार को, हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री पे ध्यान दें। एनडी और गठबंधन जो बनाए हैं ये लोग, वो पनौती गठबंधन है। इस गठबंधन में कोई ताकत नहीं है, कोई आगे बढ़ने नहीं जा रहा है, और ये बहुत जल्दी टूटेगा ये गठबंधन। में बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे कि उधर ममता बनर्जी के का है सबसे पहले तो इस गठबंधन में कांग्रेस बहुत हाथ उठा के वाहवाही जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस का इस बार जो हार हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस को सीट बहुत अच्छा तरह से दिया जाएगा। कांग्रेस एक पनौती बन के रह गया है, तो कांग्रेस को जब सीट नहीं बनेगा तो सबसे पहले कांग्रेस इस गठबंधन को तोड़ेगा। जदयू, उसके बयान आया कि जो 3 बार में हारी है कांग्रेस, उसमें सारा जिम्मेवारी कांग्रेस की है, वो सब कुछ साथ लेके नहीं चल रही है। जब साथ लेके नहीं चला तो यहीं पर टूट गया गठबंधन आपका, यानी कि जैसे ही हाल हुआ गठबंधन पूरा टूटेगा गठबंधन। गठबंधन एक देखिए, जनता के बीच में कोई काम नहीं हो रहा है। जब से इस ये महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, तब से माननीय मुख्यमंत्री की आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर बहुत मैंने तबियत नहीं ठीक है तो उनको मेडिकल कराया जाए। बिहार का जनता, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जानना चाहिए, उसको गुप्त नहीं रखना चाहिए।